पठान के निर्देशक, कलाकारों और निर्माता के खिलाफ एक लिखित शिकायत दर्ज की गई थी। शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण अभिनीत पठान ने कथित रूप से धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई और जानबूझकर हिंदुओं को परेशान करने के लिए केसर का इस्तेमाल किया। एक कार्यकर्ता ने मुंबई के साकीनाका में शिकायत दर्ज की पुलिस स्टेशन। शाहरुख खान NDTV के अनुसार पठान के निर्देशक, अभिनेताओं और निर्माता के खिलाफ शिकायत की गई थी। एक कार्यकर्ता ने दावा किया कि गीत किशोरों के बीच अपवित्रता को बढ़ावा देता है और कानून व्यवस्था को कमजोर कर सकता है। पहले गीत बेशरम रंग ने दीपिका पादुकोण के विवाद को जन्म दिया कब्दों के विकल। सुप्रीम कोर्ट के एक वकील विनीत जिंदल ने बेशरम रंग बहस के बीच ऑब्जेक्टिव वीडियो के प्रमुख कलाकारों के खिलाफ शिकायत दर्ज की। विनोद बंसल ने अपमानजनक संगीत के सुधार तक पठान पर प्रतिबंध लगाने की शिकायत दर्ज की। VHP के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने पिछले सप्ताह फिल्म का बहिष्कार और प्रतिबंध लगाने के लिए कहा। दीपिका पादुकोण के बेशरम रंग संगठनों की आलोचना की गई। अयोध्या के एक महंत AK हनुमानगढ़ी राजू दास ने लोगों से सिनेमा थिएटरों को जलाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इससे धार्मिक संवेदनाओं का अपमान होता है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बेशर्म रंग में अनुचित वेशभूषा की आलोचना की और महाराष्ट्र के भाजपा विधायक राम कदम ने चेतावनी दी कि हिंदुत्व का अपमान करने वाली फिल्म को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पठान में शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम है, जो आदित्य चोपड़ा की जासूसी दुनिया का हिस्सा है। फिल्म 25 जनवरी 2023 को हिंदी, तमिल और तेलुगु में डेब्यू करेगी।